कान्हा की नगरी मथुरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर मोदी जी की दीर्घायु और सदैव स्वस्थ रहने की कामना के साथ साथ 74 कमल पुष्पों के साथ मां यमुना में दुग्धाभिषेक कर यमुना पूजन किया गया। मथुरा के विश्राम घाट के निकट तीर्थ राजा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य मां यमुना महारानी का दुग्धाभिषेक कर 74 कमल पुष्पों से श्री यमुना महारानी का पूजन अर्चन किया गया एवं सामूहिक यमुना अष्टक पाठ एवं यमुना जी के सहस नाम का सामूहिक पाठ किया गया। आज मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 61, 64, 65 के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उमंग और उत्साह के साथ सहभागिता की। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय विचारधारा को जनमानस के हृदय तक अपने कार्यों से जन जन के मन में बसने वाला अद्वितीय व्यक्तित्व बताया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, गोवर्धन विधानसभा के भाजपा विधायक मेघ श्याम सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम किशन पाठक एवं गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आज 74वें जन्मदिन पर चौबियापाड़ा क्षेत्र के वार्ड 61, 64, 65 के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वप्रेरणा से यहाँ पर माँ यमुना को साक्षी मानकर पुष्पों से, दूध से, पूजन सामग्री से पूजन करके मोदी जी के स्वास्थ्य की रक्षा, मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना और मोदी जी की प्रबल शक्ति की कामना के साथ यहाँ पर यमुना पूजन करके माता से प्रार्थना की कि मोदी जी के ऊपर छत्र के रूप में उनकी रक्षा करें और हम सभी का और विश्व का कल्याण करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें पूरे विश्व में भारत माता का गौरव बढ़ाया है, उनका आज 74वां जन्मदिवस है और यमुना जी के पूजन के बाद उनके चरणों में प्रार्थना कि वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों और जिस संकल्प को लेकर के वो बाल्यकाल से ही लगे हुए हैं तो भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाना है, विश्वगुरु के आसन में विराजमान करना है और हिंदू समाज को सशक्त और गौरवान्वित, जो हमें विगत में जो हमको अपमानजनक जो दम से लगे हुए हैं जिससे सांस्कृतिक गौरव हमारा जो है कहीं पीछे चला गया था, उस सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करना है और उसको उनने आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा व्यवस्था ये सब चीज़ें तो वो हैं शिखर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का निर्माण करा करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो परम वैभव में तो स्वराष्ट्रम, कि इसको परम वैभव पर पहुँचाना है अपने राष्ट्र को और परम वैभव जब है कि हिंदुत्व के आधार पर इस देश का विकास हो, इस देश की संस्कृति का विकास हो, उत्थान हो तो रामलला विराजमान हो गए। आप देखते हैं जितने तीर्थ हैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हर जगह विकास कार्य, क्योंकि पहले आपने सुना होगा ईदगाह की दीवार बन गई, मस्जिद की मरम्मत हो गई, लेकिन कोई जो है जो वास्तव में आधार है हिंदुत्व यहाँ भारत भूमि का, उसके प्रति आप सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन हिंदुत्व की अपेक्षा और हिंदुत्व को अपमानित करना ये पिछले शौक हो गया था पिछली सरकारों का। माननीय मोदी ने वह दंश जो लगे हुए थे हिंदुत्व पर वो समाप्त किए। हमको बड़ा कष्ट होता था, हम लोग आंदोलन चालू किया 84 से, कि जाते थे तो वहाँ बाबर की चर्चा होती थी, हम जानते हैं बाबर एक विदेशी था, लुटेरे था, आक्रमणकारी था, लेकिन रामलला की चर्चा नहीं होती थी। आज माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो 450 साल से हम पे एक कलंक लगा हुआ था, जो 3.5 लाख पूर्व उन्हें बलिदान दे के उस सपने को लेकर के वह सपना साकार हुआ। आशा है कि हम चूँकि मथुरा में निवास कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का आप देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन हम भी जब जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, या पिछले कोई भी कृष्ण भक्त आता है और जब ये देखता है कि कृष्ण जन्मभूमि पर एक विदेशी लुटेरे आतंकवाद अत्याचारी की मस्जिद खड़ी हुई है, मस्जिद नहीं है, है तो मंदिर ही, थोड़ा उसने तालमेल तोड़ ताड़ करके वो जो ढांचा बदल दिया है, लेकिन मूल गर्भगृह पर आए भगवान के जन्म स्थान पर, तो हम यमुना से प्रार्थना करेंगे भगवान को सामर्थ्य दे
माननीय न्यायालय कोई आंख बीच करके भी निर्णय करेगा तो इन्हें झुटला सकता कि यहाँ मंदिर नहीं था। एक एक इंच माँ बोलती है कृष्ण जब भवन का जन्म स्थान था, तो वह माननीय न्यायालय से तो पूरा विश्वास है ही, लेकिन संघ में चूंकि राम मंदिर हमारे सामने उसकी ध्वजा विश्व में फहरा रही है, तो बहुत आशा करेंगे इनके कार्यकाल में काशी विश्वनाथ पर भी जो एक ढांचा खड़ा हुआ है जिसको नाम औरंगजेब दे रखा है, वही औरंगजेब दुष्ट ने यहाँ भी एक ढांचा खड़ा कर दिया मूल स्थानों पर, तो कम से कम उसका नाम मिटे यहाँ से दोनों जगह से, तो निश्चित रूप से भारत माता गौरवान्वित होगी और विश्व में लगेगा कि सांस के पुनरुत्थान को लेके संघ का जो सपना है उसको ये वास्तव में साकार कर रहे हैं। हमारे युग पुरुष माने श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने माँ यमुना से पूजा अर्चना की और उनसे कहा है कि हमारे ऐसे युग पुरुष की बहुत लंबी आयु है, स्वस्थ रहें और हम सभी सनातन धर्मियों की सेवा करते रहें। जिस प्रकार से यमुना पूजन किया गया है, चंग लिया गया, हम पूरा पखवाड़ा गरीबों की सेवा करेंगे, मलिन वस्तु में जाएंगे, वहाँ साफ सफाई करवाएंगे और कोई भी दुखी न रहे इस ब्रज में, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यशस्वी और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो कि आज 74 वर्ष जिन्होंने पूरे किए हैं और पूरे भारत की जनता की आकांक्षा है और माँ यमुना से प्रार्थना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और भारत का इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें और भारत के संकल्प विकास के संकल्प के लिए उनका जो संकल्प है 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर सशक्त विकसित भारत बनाना है, विश्वगुरु भारत बनाना है, उस संकल्प को पूरा करें और उस संकल्प को पूरा करने में भारत के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं और निश्चित है कि वह अपने संकल्प को जब लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तो उसको अवश्य पूरा करते हैं, समय से पूर्व ही पूरा करते हैं। तो जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 2047 में उन्होंने संकल्प लिया है, 2047 से पहले ही भारत विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, सशक्त भारत होगा और जिसकी गति निरंतर बढ़ती जा रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हम ये माँ यमुना से प्रार्थना करते हैं कि हम सब कार्यकर्ताओं को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेवा, जन जन के सहयोग, जन जन की सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था अंत्योदय का, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को हम सशक्त करें, आत्मनिर्भर करें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं, ऐसे निवेदन के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ हम अपने लोकप्रिय और प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का यहाँ जन्मदिन यमुना पूजन करके मनाया गया है। सेवा पखवाड़े के नाम से पूरे हर साल हम लोग मनाते हैं हमारी पार्टी। आज पूरे हमें मेरा प्रोग्राम ही गोवर्धन में स्वच्छता अभियान का लगा हुआ है। हम लोग सार्वजनिक जगह पर जाएंगे, जो हमारी मंदिर देवालय में साफ सफाई करेंगे, गलियों की साफ सफाई करेंगे, तमाम जो सेवा का वो है, मेडिकल कैंप लगेंगे, जो सेवा पखवाड़े में तमाम सेवा काम हम लोग